हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन रिव्यू टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डाइक्लोजेसिक टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। डाइक्लोजेसिक टैबलेट का मुख्यतः उपयोग दर्द से राहत पाने के लिए यूज किया जाता है। टोरेंट फार्मा कंपनी की ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको 50 रुपए में मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगी। दोस्तों, बताई गई कीमत समय के साथ कम या ज्यादा हो सकती है। बात करते हैं इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट के बारे में। डाइक्लोजेसिक टैबलेट में डाइक्लोफिनेक सोडियम IP 50 mg, पैरासीटामोल IP 325 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। बात करते हैं इस टैबलेट के यूजर्स के बारे में, डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट का उपयोग मांसपेशियों में दर्द होने की समस्या, दांत में दर्द, गाठियों संबंधित दर्द, सिर दर्द, जोड़ों में होने वाला दर्द, जोड़ों में सूजन आने की समस्या, माइग्रेन की समस्या, पैरों में दर्द, बदन दर्द, कंधों में दर्द, मोच, एड़ी में दर्द, जोड़ों में अकड़न होने की समस्या, आँख में दर्द होने की समस्या, मांसपेशियों में खिंचाव आने की समस्या, कमर दर्द, बुखार, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट का अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस टैबलेट का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते। बात करते हैं इस टैबलेट के डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस टैबलेट का डोस अपने डॉक्टर से निश्चित कर ले। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट दिन में 2 बार, सुबह 1 बार और शाम को 1 बार खाना खाने के बाद अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले सकते। साइड इफेक्ट इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट हो सकते। यदि आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। उस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको मिटली, उल्टी, पेट दर्द, दस्त, पेट में जलन या कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, उस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आप पहले से ही कोई अन्य टैबलेट, मेडिसिन, सिरप ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। गर्भवती महिलाएं ये टैबलेट यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिसिन रिव्यू टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।